क्लास सेवेंथ ध्यान दें। आज ट्रीज पोएम जो है आपकी बुक में उसकी हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ा दी गई थी। आज मैं इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज भेज रहा हूँ जो पेज नंबर 84 पर दिया है, वर्किंग विद पोएम। वर्किंग विद द पोएम में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द गेम आर ह्यूमन एक्टिविटी विच यूज ट्रीज ऑन इन विच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट। तो इसकी उत्तर हो जाएगा, द ट्रीज आर यूज टू मेक ट्रीज हाउसेज, टू स्विंग स्विंग्स, टू प्ले हाइड एंड सीक, टू गेट सेड एंड समर, टू बिल्ड फायर कैंप पार्टीज इन विंटर, टू गेट फ्रूट्स एंड वुड फॉर मेनी मोर थिंग्स। क्वेश्चन टू में दो दिया है, लिखा है ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन। यानी पेड़ की छाया का उपयोग जाड़े में नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ। तो और उसके ठीक नीचे लिखा है ट्रीज आर फॉर एप्पल टू ग्रो ऑन आर पीयर्स, डू यू एग्री विद दैट पर्पज ऑफ ए ट्री टू हैव फ्रूट ऑन इट, और डू यू थिंक दिस लाइन इज होमरस। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो पहले का आंसर देखें, ड्यूरिंग विंटर टाइम वी मेक यूज ऑफ ट्रीज वुड एंड बिल्ड फायर टू फील वार्म, इन समर टाइम वी नीड प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट एंड ट्रीज प्रोवाइड द कूल शेड। दूसरा इसका, वेल ट्रीज मेक फ्रूट टू हाइड देयर सीड टू मेक मोर ट्रीज एंड दीज टू फ्रूट्स आर फूड फॉर अस, सो इन ए वे दिस लाइन इज होमरस एज ट्रीज लेट फ्रूट ग्रो ऑन देम एंड पीपल हु ईट्स दीज फ्रूट्स ग्रो बीनीथ देम। थर्ड है, तीसरा देखते हैं, थर्ड में लिखा है विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर ट्राई टू रीराइट सम लाइंस इन द पोएम आर एड न्यू वंस ऑफ योर ओन एज इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो इसके लिए लिखा है ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट, और ट्रीज आर पीपल टू सीट अंडर, नाउ ट्राई टू कंपोज ए सिमिलर पोएम अबाउट वाटर एंड एयर। तो इसको हम लोग एक पोएम के रूप में कंपोज करते हैं, वाटर और एयर को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे ट्रीज आर फॉर स्वीट फ्रूट्स, ट्रीज टेक अवे फॉर टायर्डनेस, ट्रीज आर फॉर ऑक्सीजन्स, ड्रिंक वाटर एंड बाथ इन वाटर, यू कैन नेवर इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, प्योर वाटर आर इम्प्योर वाटर, सेव द एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। तो हमने ट्रीज के साथ वाटर को भी इंक्लूड कर लिया जो वेरी इसेंटियल्स है। इस तरह से ये ट्रीज का एक्सरसाइज फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिया जाएगा।